दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह ही। और अभी आ गए हैं गांव में। आज है नौमी और आज यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा मेला। चलिए मेला चलते हैं और मेला में देखेंगे चल के किस तरह से गांव का मेला होता है। मेले की तरफ जा रहे हैं। पीछे जहाँ पे ये चौराहा है, यहाँ पे कभी एक बहुत बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था, जो कि अब कट गया है। तो लोग उसी पेड़ को जानते थे यहाँ पे, तो कहते थे पुलिया वाले पेड़ से जाना है, तो लोग यहाँ आ जाया करते थे। 7-8 किलोमीटर तक लोग जानते थे उस आम के पेड़ को। काफ़ी बड़ा पेड़ था, अभी काट दिया गया है और अब थोड़ी दुकानें वगैरह हो गई हैं, तो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो मेले में आ गए हैं और सीन है वो ये है। तो अब मेले में चलते हैं, मैं भी 8 साल बाद जाऊंगा। तो ये झंडा चढ़ रहा है और ये उसका कुछ दृश्य है, तो कुछ इस तरह से झंडा चढ़ता है। तो अभी चल रहे हैं मंदिर में अंदर, यहाँ पे लोग झंडा चढ़ाते हैं। तो झंडे की जो एंट्री होगी वो इधर से होगी। जो झंडा है वो ये रहा। माता का मंदिर, इस पे यहीं पे चलते हैं हम। तो ये है माँ का मंदिर, तो यहाँ पे लोग झंडे उठाने आते हैं। भाई अगर इस मेले की खास जो बात है तो वो है हमारे चाचा की जलेबी, जो बहुत फेमस है। लोग आते हैं, चाचा की जलेबी ज़रूर खा के जाते हैं। जलेबी में कुछ खास बात होती है, और जलेबियों से ज़्यादा कुरकुरी होती हैं। मेले में जो खास चीज़ें होती हैं, जब बड़े बुजुर्ग आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं गाय वगैरह की रस्सी, और ये जो आप देख रहे हैं ये है घंटी, जो कि बैल के गले में या भैंस के गले में बांधते हैं। तो ये कोई ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो आज भी गांव के मेले में मिलेंगी आपको। तो अभी एक गली में है और छत पे लग रही हैं तिरपालें, क्योंकि बहुत नीची है। आगे चलते हैं। तो ये गाड़ी है जो छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, ये उनके लिए है, तो उनको यूज़ कराते हैं और बच्चा धीमे धीमे चलना सीख जाता है। तो ये मेले में मिलेगी, ज़्यादातर आपको बड़े शहरों में नहीं मिलेगी। तो ये कुछ नया है, पहले ये गलियां नहीं हुआ करती थी जब हम छोटे थे किसी टाइम पे, अब ये गलियां होने लगी है यहाँ पे। गांव का मेला ही बढ़ गया है। तो भाई थक गए हैं और मुंह गया है सूख, तो पहले चलते हैं जरा जूस पीते हैं चल के, और इसके बाद आगे का कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। पीने का जो मजा है वो गर्मी में ही होता है। हमने यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है,
और जिन्हें पकड़ा है वो अम्मा है। देखो भाई चुस्की पी रही है अम्मा हमारी, ये है हमारी बड़ी अम्मा, बर्फ का गोला पी रही है बुढ़ापे में। हमें आए हैं शॉप पे लड्डू के लिए, गाड़ी लेने के लिए। तो ये लड्डू के लिए ले रहे हैं क्योंकि वो उसको भाई बड़ी आदत है, इंजीनियर है वो अभी से, और वो बड़ी जल्दी खोल कर रख देता है गाड़ियाँ। तो उसके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं जो कि वो खोल चुका है, तो उससे एक छोटी गाड़ी दे रहे हैं ये। तो ये लड्डू के लिए सरप्राइज है भाई, ये लड्डू को देंगे जाके तो खुश हो जाएगा हमारा। तो भाई इसे पैक कर दो यार, ठीक है? कितने की है भाई? चलो दो। भाई लोगों जो मेला था वो घूम लिया है और शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा पास आके बात करना पड़ रहा है। तो जो गलियां हैं वो छोटी छोटी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं अब नुमाइश जैसी ही हो गई हैं। तो ये एक छोटा सा गांव का मेला था जिस जो कि काफ़ी समय से लग रहा है। यहाँ पे एक माता का मंदिर है, जो मंदिर बहुत पुराना है, और जो इसमें आपने जो पेड़ देखा वो पेड़ काफ़ी पुराना है। यहाँ पे जो मेरा यहाँ गांव है, इसके बाद भी यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं उन लोगों को भी नहीं पता कितना पुराना पेड़ है ये। यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग आते हैं झंडा चढ़ाते हैं, हमारे गांव से भी आते हैं लोग झंडा चढ़ाते हैं यहाँ के। एक झंडे का छोटा सा वीडियो बनाया था वो आपने इसमें देखा होगा। अब चल रहे हैं छोटी मोटी और मज़े लेते हैं मेले में, और हमारे लिए यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ करने को, हम चलेंगे फिर वापस इटावा। मेला भाई जो भी था वो यही था, तो मेला देख लिया है। और अभी जो वक्त हो गया है वो 6:45 हुए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे इटावा के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद काफ़ी कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो कोशिश ये है कि डे लाइट में ही इटावा पहुँच जाए। थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे गाँव में अपने, और एक जगह जाना है यहाँ पर, फिर थोड़ा जल्दी निकल आए हैं। पीछे मेला लगा हुआ है, अभी शाम के टाइम यहाँ पे होगी नौटंकी। तो हमने तो भाई कभी कभार देखी नौटंकी, तो आप में रुकते भी नहीं गांव में इतना। तो अभी चल रहे हैं वापस घर की तरफ और बाइक उठा के निकलेंगे इटावा के लिए। तो ये हमारे दद्दा, जो हमारे छोटे दद्दा हैं ये, तो भाई सानी लगा रहे हैं। तो ये है गाँव की लाइफ। तो बारी बारी से जानवरों को भाई चारा देंगे। ये हमारे घर हैं, इस तरफ जो है खेत है पीछे। और किसी वक्त था जब हम इस पेड़ के नीचे, बांस हैं बड़े वाले, तो इनके नीचे कभी वक्त बिताया करते थे, कभी यहाँ पे झूले वगैरह झूला करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे कई जगह यहाँ पे बड़े बड़े नीम के पेड़ थे और उन पे झूला डाल के झूला करते थे। और बस यादें रह गई हैं, धीमे धीमे गाँव भी चेंज हो गए हैं। अब जो ये रास्ता देख रहे हैं, अब ये RCC बन गया है, पहले यहाँ पे कच्चा था। और एक जो रास्ता था वो पहले वो इधर से जाया करता था, जो कि अब बंद हो गया है। तो धीमे धीमे गांव भी चेंज हो गए हैं, गांव भी एक तरीके से शहर हो गए हैं। लाइट आ गई है, पक्के मकान हो गए हैं, तो धीरे धीरे गांव भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ये स्कूल था, इसमें स्कूल मतलब था क्या है, इसमें हम भी पढ़े किसी वक्त। जो सूरज जो है वो ढल रहा है सामने, हमें जाना है इधर। अभी हम जो हैं वो चल रहे हैं, ये है कटरा सामान का जो ताल है, मतलब कि जो पक्षी विहार है एक तरीके से, उसमें ये हमारे खेत हैं और आगे जो है वो पक्षी विहार है। सूरज जो है वो ये ढल रहा है, और ये जो है ये सब पक्षी विहार का एरिया है। और ऐसे चल रहे हैं भाई, शाम होने को है, जो चीज़ नहीं चाहते वही हो रही है। सूरज बिल्कुल ढल चुका है, सामने आप देखेंगे, सामने जो एरिया है यहाँ पर है सौद, यहाँ पर है कटरा, तो सामान कटरा बोलते हैं जिसको। मेरा गांव जो है वो सरसा येलू नगरिया है,